दोस्तों शादी का सीजन आ चुका है और भारत में लगभग शादियां हर सीजन 12 महीनों तक होती ही रहती हैं। इस नजरिए से अगर हम बिजनेस की बात करें तो शादियों के सीजन में बिजनेस के और भी मौके मिल जाते हैं। शादियों से जुड़े कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसे आप पार्ट टाइम, फुल टाइम या साइड बिजनेस के रूप में करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बिजनेस जिन्हें हम शादी के सीजन में कर सकते हैं, क्योंकि शादी के सीजन में इन बिजनेसों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। वैसे भी ये बिजनेस पूरे साल चलते हैं और पूरे साल शादियाँ भी होती रहती हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से बिजनेस हैं। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़े हैं उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि समय समय पर बिजनेस से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वेडिंग प्लानर बिजनेस। दोस्तों शादी की तैयारी कराना, प्लानिंग बनाना, धूमधाम से कम्प्लीट कराने का कार्य भी आपके बिजनेस का एक रूप हो सकता है। अगर आप इस प्रकार के बिजनेस को करते हैं तो इस बिजनेस को इन्वेस्ट करने के लिए लगभग 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। अगर आमदनी की बात की जाए तो आप हर महीने 50,000 से 60,000 रुपये तक कर सकते हैं। और हाँ, खास बात यह है कि ज़रूरी नहीं है इसे आप फुल टाइम करें। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि आप इन बिजनेसों को पार्ट टाइम, फुल टाइम या साइड बिजनेस के रूप में भी कर सकते हैं। नंबर 2, मैरिज ब्यूरो बिजनेस। दोस्तों आप अपना वेबसाइट बनाकर भी ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो का कार्य कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको एक वेबसाइट की आवश्यकता होती है। आमदनी हर महीने 40,000 से 60,000 रुपये तक हो सकती है। नंबर 3, कैटरिंग सर्विसेज। दोस्तों शादियों पार्टियों में खाना बनाना व उसकी सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य भी आपके बिजनेस को अच्छा रूप दे सकता है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि ये बिजनेस शादी के सीजन में तो ज़्यादा चलते ही है, लेकिन हर सीजन में इनकी डिमांड बढ़ती ही रहती है। आप सभी को पता होगा कि पूरे साल हर जगह शादियाँ होती रहती हैं, कई जगह पर पार्टी या अन्य प्रकार के मुंडन या कुछ भी ऐसे जो पार्टियाँ होती हैं वहाँ पर कैटरिंग सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आप कुशल कारीगर हैं तो भी इस कार्य को कर सकते हैं, अन्यथा 5 से 10 आदमी रख कर भी इस कार्य को किया जा सकता है। 50,000 से 60,000 रुपये की लागत से इस बिजनेस को शुरू करके आप हर महीने 1,00,000 रुपये तक की आमदनी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हर एक बुकिंग की लगभग 30,000 से 40,000 रुपये पर डे की बुकिंग ली जाती है। नंबर 4, वीडियोग्राफी बिजनेस। दोस्तों शादियों में वीडियो शूटिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग का कार्य भी आपके बिजनेस में एक अच्छा रूप दे सकता है। 50,000 से 1,00,000 की लागत से इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। इसमें मेन इक्विपमेंट्स या मशीनरी जो होती है इसे हम कैमरा या वीडियो कैमरा के रूप में जानते हैं। आमदनी प्रत्येक शादी की बुकिंग 30,000 से 40,000 होती है। ऐसे में अगर आपको महीने में 4 से 5 या 10 तक लगन भी मिल जाती हैं या शादी पार्टियां मिल जाती हैं तो आप हर महीने 1,00,000 से 1,50,000 रुपये कमा सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों फोटोग्राफी बिजनेस। इस बिजनेस को करने के लिए फोटोग्राफी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिजनेस को शुरू करने के लिए क्वालिटी के कैमरा की आवश्यकता होती है। अच्छे क्वालिटी का कैमरा आपको 40,000 से 50,000 रुपये तक मिल जाएगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 50,000 रुपये की आवश्यकता होती है और आप इस बिजनेस से हर महीने 60,000 से 70,000 रुपये तक कमा सकते हैं। इस कार्य के लिए आपको 2 से 3 लोगों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 6, ब्यूटी पार्लर। दोस्तों मेकअप, ब्यूटी टिप्स की बेसिक जानकारी अगर आपको है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि शादी में तो इसकी ज़्यादा डिमांड होती ही है, लेकिन पूरे साल भी इसकी डिमांड कम नहीं होती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अच्छी खासी मेकअप की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन घबराइए मत। अगर आपको मेकअप या ब्यूटी टिप्स की जानकारी नहीं है तो कुछ ऐसे लोगों को हायर करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिनको इनकी अच्छी जानकारी है। आप उनको एक अच्छी सैलरी पर भी रख सकते हैं। पर बुकिंग आपको 20,000 से 30,000 रुपये मिल जाती हैं। ऐसे में महीने में 10 बुकिंग पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी भी हर साल पूरे साल पार्टी, अन्य पार्टी और ऐसे भी पूरे साल लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर अपना मेकअप वगैरह कराया करते हैं। नंबर 7,
डीजे बैंड बिजनेस। दोस्तों शादी पार्टी या किसी भी प्रकार के फंक्शन में आज डीजे का चलन बन गया है। यहाँ पर अगर हम 2 से 2.5 लाख तक का निवेश करते हैं तो हम इस बिजनेस से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कमा, 10 से 12 हजार रुपए की बुकिंग की जाती है हर महीने। अगर 4 से 5 बुकिंग ही मिल जाती हैं तो भी आप हर महीने 1 लाख रुपए तक की भी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी खासी मेहंदी लगाना आनी चाहिए। दोस्तों नंबर 10 स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस। दोस्तों शादी कार्ड, आमंत्रण कार्ड, बिजनेस कार्ड, टी शर्ट प्रिंटिंग, पॉलिथीन में छपाई का भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करीब 50,000 से 5 लाख तक की भी लागत से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मिनिमम लागत 50,000 रुपए से भी शुरू की जा सकती है। इसे आप शॉप या घर पर भी कर सकते हैं। इसमें हर महीने आप 40 से 50 हजार रुपए कमा पाएंगे। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे 11 बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताए जो आप शादी के सीजन में शुरू करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।